आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं गणतंत्र दिवस को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर टीम फीडबैक फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया, तो वहीं नगर को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ ली गई। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के वार्ड क्रमांक 37 में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा के पास स्वच्छ नमन हमारा सुंदर शहर हमारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर टीम फीडबैक फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीम फीडबैक फाउंडेशन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए नगर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया, जिसके अंतर्गत नन्हे बालकों द्वारा महाराज छत्रसाल का प्रतिरूप बनकर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं शहर को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प भी दिलवाया। इस दौरान शहरवासियों से निवेदन किया गया कि कोरोना महामारी के तहत सभी घरों से निकलने पर अपना मास्क लगाए व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। आज गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर फीडबैक फाउंडेशन के सभी संस्था के सदस्यों ने और खासतौर से हमारे जो नंबर आठ के चौहान साहब और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक बहुत कोई एक आदर्श कार्यक्रम यहाँ पर करा और उसमें स्वच्छता संबंधित संकल्प भी आज लिया। मैं समझता हूँ कि इंदौर नगर आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं समाजसेवी हैं उन्हीं के कारण आज इंदौर पांचवी बार नंबर वन आया है और मैं समझता हूँ कि छठवीं बार भी आप सब लोगों की इच्छा शक्ति के कारण और जिस तरह से आप जो है जन जागृति और जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इंदौर के हर नागरिकों पर उसका असर हो रहा है और उसी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज इंदौर पूरे देश के अंदर स्वच्छता नंबर वन पर आया हुआ है। हमें गर्व होता है कि हम इंदौर के बाशिंदे हैं, इंदौर के निवासी हैं। मैं सभी की इच्छा शक्ति के लिए इधर संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कल गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को उपहार में स्वच्छता किट प्रदान की गई एवं सर्टिफिकेट और ट्रॉफी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।